रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साबियास ब्लॉग। करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए फेस मास्क लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको इसको करने के बाद किसी भी फेशियल की ज़रूरत और पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसको घर पर ही कर सकती हैं बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। इस मास्क को लगाने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी ग्लो आएगी और उसके साथ ये वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और जो है एंटी एजिंग है। आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं अपने मास्क की तरफ। इस मास्क को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे मेन जो है चीज़ इसमें है चावल का आटा, वो मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके साथ ही मैंने कोकोनट पाउडर लिया है पिसा हुआ नारियल, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसके साथ नीडो लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इन सब तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी रोज़ वाटर के साथ। आप इसको दूध के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, जितना आपको रोज़ वाटर चाहिए या आपको दूध चाहिए, इसका अच्छे से आपने फेस पैक बना लेना है। जब मास्क जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको कीले हाथ से 5 मिनट के लिए इसको मैं मसाज करूंगी अच्छी तरह से। इसी तरह आपने अपने फेस पे भी बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है। मास्क को मैं अपने हाथ पर लगाऊंगी और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मसाज करने के बाद मैंने हाथ को धो लिया है, तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि जिस हाथ पे मैंने मास्क लगाया है वो कितना साफ़ और क्लियर है, और जिस हाथ पे मैंने नहीं लगाया उस पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा फेस मास्क अच्छा लगा है तो आप ख़ुद भी ट्राई करें और अपनी मामा को भी ज़रूर ये ट्राई करवाएँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।